ओके, मूविंग ऑन टू गुड गम, हेल्दी च्यूइंग गम ब्रांड। ठीक है, सो हेल्दी च्यूइंग गम ब्रांड, 50 लाख, 5% इक्विटी, सबने डाला है पैसा। अमन गुप्ता, विनीता, अनुपम मित्तल, रितेश अग्रवाल, सबने डाल दिया पैसा भाई। तो क्या है भाई, गुड गम क्या बेच रहा है देखे जरा। ये बबल गम बेच रहे हैं मेरे ख्याल से, एंड दे आर इन दी FMCG डोमेन इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। प्लास्टिक इन योर गम, ब्रदर्स अर्न लैक्स मेकिंग प्लास्टिक प्री च्यूइंग गम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, गुड गम इज अ कंट्रीज प्लास्टिक फ्री, 100% नेचुरल एंड बायोडिग्रेडेबल च्यूइंग गम। अमन गुप्ता एक्सपोज लाइज बाय एनवायरमेंट फ्रेंडली च्यूइंग गम ब्रांड ऑन द शो। अच्छा, लेटेस्ट प्रोमो स्टैंड अमन सेट टू अनवील फॉर सर छूट, अलग ही बेच रहे हैं यार ये तो। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग इज इट्स अ च्यूइंग गम, बट वाई प्लास्टिक? अच्छा, दे आर सेइंग दैट रेगुलर च्यूइंग गम्स आर लेडन विद, दे आर एसेंशियली प्लास्टिक, द सेम मटेरियल्स आर फाउंड इन टायर्स, ग्लू एंड अदर घासलेस एंड सिंथेटिक सब्सटेंसेस, व्हेन यू टॉस दैट गम अवे इज डेस्टिन्ड फॉर इटर्निटी इन एनवायरमेंट। ऐसा होता है क्या? ये मुझे नहीं पता था, या फिर ये भी इज इट ट्रू? आर वी च्यूइंग प्लास्टिक्स? आर वी गिविंग प्लास्टिक्स टू चिल्ड्रन? ये क्या हिसाब है भाई, ये बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट है यार, देखना पड़ेगा यार, ये तो सही सच्ची डरा दिया इसने। चॉइस, सही है। स्टैंड्स आउट च्युइंगम मार्केट, एंशिएंट मायन, ये भी अलग 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 ही दुनिया में चला गया भाई आदमी, बेचा भाई। कहानी देख रहे हो इसकी, कहानी देखो इसका, इसका पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही इतना जबरदस्त मारा है कि इसके बाद तुम भी सोचो कि यार मैं अपने बच्चे को च्युइंगम दूं या नहीं। ठीक है, बिकॉज किड्स स्वॉलो च्यूइंग गम्स एज वेल, एंड देन दे आर सेइंग कि क्राफ्टेड फ्रॉम अ एज ओल्ड मायन ट्रेडिशन, गुड गम इंट्रोड्यूसेस अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव। देखो, मेरा ये मानना है कि जो भी बंदा FMCG में है, दे नो दैट एट द एंड ऑफ द डे अ सोप इज अ सोप। ठीक है, मतलब साबुन साबुन है, उसके अराउंड की कहानी जो है पूरी मार्केटिंग है। सॉरी सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग? यू जस्ट नीड टू सेल इट और ये सोप ऑल्सो भाई, यू हैव टू सेल इट विद द ये स्टोरी। भाई कुछ भी बेच रहे हैं, अच्छा बेचा है बेसिकली, गुड कहानी गुड स्टोरी। एंड हाउ मच आर दे मेकिंग? एक कौन सी, मतलब गुड गम का एक बार ट्रैक्शन देखेंगे, इन्होंने पैसा उठाया हुआ है क्या? पहली बार पैसा उठा रहे हैं ये? कितनी पुरानी कंपनी है, हाउ ओल्ड इज दिस कंपनी? 2023 नवंबर, यानी कि नई कंपनी है, पिछले 1 साल के अंदर अंदर बनी है ये। प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेस, ये तो वो है, चलो ठीक है। एक पैक ये हम लोग ट्राई करेंगे, निकलवाते हैं हम लोग। ओके, एडिशनली गुड गम एडवोकेट्स फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बियॉन्ड प्रोडक्ट्स बाय ऑफरिंग गुड गम कैनवास टोट बैग, एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू सेव प्लैनेट, प्लास्टिक बैग्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है चलो, तो बेसिकली इनकी पोजिशनिंग है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, प्लास्टिक नो, से नो टू प्लास्टिक, हैव आवर च्युइंग गम, दैट इज व्हाट इट इज, राइट? बैंगलोर का स्टार्टअप है यही, मतलब आई वाजंट सरप्राइज्ड, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बैंगलोर स्टार्टअप ही ऐसे ये करेंगे, दिस इज गुड। सो दे आर बीन इंक्यूबेटेड बाय एनएसआरसीएल, आईएमबी, आईएमबी में इंक्यूबेटेड है ये कंपनी। अच्छा, 12,000 कस्टमर्स हैं इनके पास ऑलरेडी, वो तो ठीक है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, कैसे करके कर रहा है ये, इनका यूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा यार, मतलब और कोई मुझे लगता नहीं है। आई थिंक प्रीमियमाइजेशन ऑफ गम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक हाँ दीज आर द टू थिंग्स। चलो, मूविंग लेकिन बट ऑन टू द, हाँ आजकल बोलो बोलो। हाँ लेटली क्लीन टेक, देर आर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप इन क्लीन टेक लेटली। आई मीन सम स्टोरी ऑफ दिस, आई मीन सम स्टोरी ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड स्टफ दैट इज हैपनिंग अ लॉट लेटली। हम्म,